أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم हम शहर को निकले रास्ते कुछ वीरान थे हम शहर को निकले रास्ते कुछ वीरान थे उन वीरान रास्तों में पड़ी हड्डियों के ये बयान थे उन वीरान रास्तों में कब्रस्तान थे उन कब्रों पे पड़ी हड्डियों के ये बयान थे ऐ चलने वाले जरा संभल के चल कभी हम भी इंसान थे ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो क्या खबर उठे न उठे सुबह को और क्या खबर कि तेरी सुबह भी हो नहीं तू हो न हो कहीं जेरे जमीन खुशी के फूल लेगा कब तलक तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे बस अल्लाह ही से नाता जोड़ ले हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी दात वास्ते दरूदो सलाम आका कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आज़म इमाम कायनात सैयदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस व अतहर व आला और बाला वास्ते हज़रात अल्लाह ताला दा निहायत ही फजल व करम है करोड़ हां बार उस मालिक अर्दो समा दा शुक्र है कि जिस माल के अर्दो समा ने अज सानू अपने घर के अंदर जमा फरमाया अल्लाह दे जरूर दुआ है कि अल्लाह साडा सारयां दा इस मस्जिद के अंदर बैठना अपनी बारगाह आली के अंदर कबूल व मंजूर फरमा के कल क़यामत वाले दिन साडे वास्ते जरिया नजात बनाए मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात दीन इस्लाम
ओ दीन जेड़ा दीन अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दे सीने ते नाजर फरमाया है, ओ दीन अल्लाह ताला दी एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बहुत बड़ी दौलत है। दीन दी दौलत दुनिया दी सब तो बड़ी दौलत होया कर दी। दीन दी जड़ी दौलत है दुनिया के अंदर तुहानू ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे जिन्हां दे कोल पैसा बड़ा कोठियां बड़ियां ने कारां बड़ियां ने जायदादां बंगले बैंक बैलेंस पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालक के अंदर कई कई मुल्कां के अंदर खरबापति या इस तो भी ज्यादा जिन्हां दे कोल मालो दौलत मौजूद है और उन्हां दे कोल दीन दी दौलत ईमान दी दौलत मौजूद नहीं है। ते जिहदे कोल दुनिया दी दौलत होवे दुनिया दी दौलत होवे दीन वाली दौलत ना होवे अल्लाह दी कसम है वो अमीर हुंदा होया भी गरीब है। इस वास्ते कि उस बंदे दे कोल दीन दी दौलत मौजूद नहीं। ते जिस बंदे दे कोल कुछ खाण पीण नूं कुछ ना होवे रुपया पैसा भी ना होवे चंगी छत भी मुयस्सर ना आवे कोई एक टाइम खाना लभ गया ते खा लिया नहीं लभा ते ना सही कुछ नहीं कुछ खान पहनन वास्ते कुछ नहीं लेकिन इस गरीब बंदे दे कुल दीन दी दौलत इमाम दी दौलत मौजूद है तो मैं रब्बे काबा दी कसम उठा करके कहना ये गरीब हुंदा होया भी अमीर है। ते ये टुरदा फिरदा रब दी जन्नत दा चौधरी भी है ते रब दी जन्नत दा नवाब भी है। किस वास्ते वजह यह है कि इहदे दिल दे अंदर दीने इस्लाम इमाम दी दौलत मौजूद है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। दौर कोई ऐसा दौर है इस दौर के अंदर कोई बंदा ये नहीं मैनू कह सकता कि कारी साहब इस दौर के अंदर मैनू को दीन की समझ नहीं कोई जरिया नहीं है दीन समझण वास्ते ये गलत बात है क्योंकि सोशल मीडिया ने ऐसी ऐसी चीजा लैन दियां ने सर्च मारो गूगल के उत्ते हर चीज तुहानू मिल जाएगी। दीने इस्लाम नू सीखण वास्ते जराए बहुत ज्यादा कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं सीख सकता सीख सकता है हर बंदा इतने ज्यादा जराए ने सर्च मारो जेड़ी हदीस जिस मौजू के मुतलक जो तुहानू कटना चाहते दीने इस्लाम सहाबा के बारे नबी पाक अली सलातो सलाम के बारे दीगर अंबिया किराम के बारे तुहानू हर चीज मिल जाएगी बने बनाए मौजूआत तुहानू मिल जाएंगे लेकिन इतना कम वसी होने के बावजूद भी अल्लाह की कसम असी कदी नबी अली इल्ला माशाल्लाह सारे नहीं कदी नबी की सीरत तो पढ़ के नहीं देखे कदी सहाबा की सीरत तो असी पढ़ के नहीं देखे ये साडे वास्ते जवाल नहीं थी और क्या हर कुछ होने के बावजूद मुसलमान होने के बावजूद दीन वाले ईमान वाले साडा बाप असी मुसलमान बाप मुसलमान दादा मुसलमान परदादा शकड़ दादा सारी लड़ी दी लड़ी मुसलमान है लेकिन इन्ना नसीब नहीं है कि नबी पाक अली सलातो सलाम की सीरत दे चंद वरके पढ़ के असी देख लिए किते असी कुरान नु हाथ लगा करके देख लिए ये सानू नसीब नहीं है। तो दुआ करो अल्लाह सानू सारे नु दीन दी समझ और दीन दी दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह हू अकबर अल्लाह ते सानू दीन दी दौलत दी एक कदर क्यों नहीं है वजह की है सानू दीन दी दौलत दी कदर क्यों नहीं। दीन साडे कोल मौजूद है पांच वक्त दे नमाजी असी फिर नहीं बनते कुरान दी तिलावत असी करदे कोई नहीं। आ वेखो अपनी मस्जिद दी अलमारियां देखो कुरान ज्यादा होणगे ते पढ़ने वाले थोड़े होणगे मस्जिदां पक्कियां ते नमाजी कच्चे इहदी वजह क्या है सानू दीन दी दौलत दीन दी कदर कोई नहीं। तेरा मतलब ये नहीं कदर क्यों नहीं है वजह यह है कि साडा दीने इस्लाम दे उते लगया कुछ नहीं साडा दीने इस्लाम ते लगया कुछ नहीं। ते जिस बंदे दा हुण मैं तुहानू एक मिसाल दिंदा छोटी जी तुहानू सब नू समझ आ जाएगी। हुण छोटा जिहा बच्चा है किसी अच्छे स्कूल दे अंदर पाया उहनू उहदी 6000 रुपया उहदी फीस है 7000 10000 उस बच्चे दी फीस है ते वालिदैन जिन्नी रूटीन दे नाल जिन्नी यानी कि सुबह सुबह उठा के नहा तो आके मस्जिद आवे ना आवे उन्हें बड़ी जल्दी
ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਫਰੀ ਲੱਭਾ ਜੀ क्योंकि साडा कड़ा कुछ लगे ना माल लगा ना जान लगी ना साडा कोई वक्त सरफ होया कुछ भी नहीं साडा लगा क्योंकि साडे वड्डियां तो ते चलदा आ रहे ते जे सानू इहदी कदर नहीं इहदा मतलब ए नहीं है कि ए जिहड़ी तेरी मस्जिद ते मीनारां दे अंदर स्पीकरां दे अंदर गूंजण वाली पंज वक्त दी अजान ने इहदा कोई मकसद और मनहज नहीं इहदा कोई मकसद है इहदा कोई मनहज है तू मस्जिद अंदर नमाज अच्छे तरीके पढ़ सकना है जा ऐसे ममालक जा करके देख जिन ममालक दे अंदर उच्ची आवाज दे नाल अजान देन ते स्पीकर दे अंदर अजान देन ते पाबंदी नमाज पढ़न लगिया उन्होंने तंगी होती है नमाज पढ़न लगिया मरे कुत्ता लिया के लागे सिर दंदे ने बोल लेकिन उन्हां दे दिलां दे अंदर इमाम दी दौलत मौजूद है मजबूत है उन्हां दा ईमान सानू कुछ भी नहीं असीं फिर भी घर सुते रहिंदे कोई मसला कोई टेंशन कोई गलबात भी नहीं असि फिर भी घर सुते सानू पता साडे कितने डांगा लैके साडे लाउणा जुमा हो जांदा है साडी सूरत हाल पता कि नमाज इक नहीं मसीते पढ़नी ते घर सुते रहना सुते रहो जी सुते रहो जदों मौलवी साहब ने जनाब नमाज खड़ी करनी है उदों दगड़ 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 लाई हुंदी चलो मसीते भज पो जी ये जुमे का मकसद नहीं है जुमे का मनहज नहीं है जुमे का मकसद मनहज है कि एक गल्ला सुनिया जान ते दुआ करो ये भी दुआ कर लिए इंशाल्लाह किसे दिन इंशाल्लाह अज़ीज़ मौजू जुमे दे बारे भी इंशाल्लाह बयान करेंगे तो अल्लाह दे कुरान दी तरफ जरा तवज्जो कीजिए गौर कीजिए जरा मैं कुरान पाक दी एक दो आयात पढ़ना चाह रहे हैं उत्ते जरा तवज्जो करनी है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबाए किराम दे बारे अल्लाह ने की फरमाया है जरा तवज्जो करना हबीबे कायनात सरकारे दो आलम सय्यदीना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीनाए पाक ते नाज़िल होण वाला खाल के कायनात दा कुरान ऐलान करके कह रहा है अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वअदन حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللہ تعالی قرآن پاک دے ارشاد فرماندے نے اللہ فرماندے نے بے شک میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندیاں دے نال سودا کر لیا وے اپنے مومن بندیاں دے نال تجارت کر لئیے اپنے مومن بندیاں دے نال بیع کر لئیے ऐ कहना दिया मालिका तू किस चीज दी तिजारत ते किस चीज दी बै कर लईए अल्लाह तू सारी कायनात दा बादशाह वे सारी कायनात नु पालन वाला वे तबारक अल्लजी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइल कदीर अल्लजी खलकल मौत वल हयात लियबलुकुम अय्युकुम अहसनु अमला हुवल्लाहुल लजी لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللہ تو الہ ہے تو مشکل کشا ہے کس چیز دا سودا تے تجارت کر لئیے اللہ فرماندے نے بان لغم الجنہ فرمایا انہاں دے نال میں جنت دی تجارت کر لئیے آکھیا میرے مومن بندیو اپنی جاناں تے اپنا مال مینوں دے دیو میرے رستے دے اندر قربان کر لو تے میرے کول میری جنت دا حاصل کر लवो मेरे नाल जन्नत दा सौदा कर लवो अपना माल मेरे रस्ते दे अंदर कुर्बान कर दियो अपनी जान मेरे रस्ते दे अंदर कुर्बान कर देवो ते मेरे कोलो मेरी जन्नत हासिल कर लवो अल्लाह फरमांदे ने ए जेड़ा वादा मैं तुहाडे नाल करदा पिया वा ए वादा कल्ला तुहाडे नाल नहीं कीता तुहाडे तो पहलियां उम्मतां जेड़ियां ने तौरात इंजील वाले नाल भी मैं एही वादा कीता सी कि मेरे नाल सौदा कर लो कि अपना माल ते जान मैनू दे दियो अपनिया जाना मेरे दीन तो निशावर कर दियो ते मेरे कोल मेरी जन्नत हासिल कर लवो ए
हुण अल्लाह ताला सौदा करदा प्यावे तिजारत करदा प्यावे इस तिजारत ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा किराम बिल्कुल पूरे उतरे ने मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा किराम दे सही तिजारत की थी है। फिर अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नु ऐसे सहाबा दा फरमाए ने जेड़े सियाबा किराम ने तिजारत की है तिजारत करके अपना माल भी लुटा छड़िया है अपनी जान भी लुटा छड़ी है अपना घर बार भी लुटा छड़िया वे अपनी बीवी बच्चे भी लुटा छड़े ने खुद अपने जाना भी लुटा छड़िया ने ते अल्लाह ताला ने आसमाना तो इन्ना बड़े कुरान नाजल कर छड़िया वे अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाहु अल्हुम व रज़ू अल्हुम फरमाया मैं अल्लाह इन्ना ते राजी हो गया मां ए मेरे ते राजी हो गए मैं अल्लाह इन्ना ते राजी हो गया वहां ए मेरे ते राजी हो गए ने अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह नबी दे सियाबा ते राजी हो गया वे इस वास्ते राजी हो गए के सियाबा इकराम ने जाना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान कीतियां ने माल अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान कीता वे अल्लाह नु राजी कर लिया वे ते अल्लाह ताला ने जन्नता दे सर्टिफिकेट दे करके ते नबी दे सहाबा नु राजी कर छड़िया है अल्लाह ताला ने जन्नता दे सर्टिफिकेट दे करके नबी दे सहाबा नु राजी कीता दुनिया दे अंदर रह करके सहाबा ने अल्लाह नु राजी कर दिता ते अल्लाह ने सहाबा नु राजी कर अल्लाह ने आख्या वो मेरे नबी दे सहाबियो तुहाडे तो मैं राजी हो गया वा तुसी जिथे भी जे टुरदे फिरदे मेरी जन्नत दे चौधरी भी जे ते नवाब भी जे मेरे नबी दे सहाबा जन्नत दे चौधरी भी ने ते जन्नत दे नवाब भी ने फिर अगे अल्लाह ताला ने की फरमाया फरमाया उलाइका हिजबुल्लाह ए मेरा गिरोह है ए मेरी जमात है ए मेरी पार्टी है ते जेड़ी अल्लाह दी पार्टी होवे अगे अल्लाह ने की आखे अला खबरदार इन हिजबुल्लाह मुल्फलून खबरदार हो लोगो ए कामयाब लोग दी जमात है केदी नून लीग पार्टी केदी पीपल पार्टी ते केदी तहरीक इंसाफ ते केदी कुछ ते नबी दे सहाबा दी केड़ी पार्टी अल्लाह दी पार्टी केड़ी पार्टी अल्लाह दी पार्टी फरमाया मेरा ग्रुप है हिजबुल्लाह फरमाया ए मेरा ग्रुप है मेरी जमात है खबरदार ये जेड़ा ग्रुप है ए पार्टी वे जमात है तबका है फरमाया ए कामयाब लोगों दी जमात है कामयाब लोगों दी पार्टी अल्लाह अकबर अल्लाह जरा तवज्जो कर दे जाना गौर कर दे जाना जरा अल्लाह अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नु अल्लाह ताला दी तरफो हुक्म हो गया वे सोनिया मेरी तौहीद दा ऐलान कर दियो मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कर छड्या वे मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम मैं सुबह एक किताब दे अंदर पढ़िया वे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दुल मजाज बाजार दे अंदर चलते जा रहे ने सलातो सलाम कह रहे ने ओ मक्के वाले ओ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह ओ मक्के वाले ला इलाहा इल्लल्लाह कह दियो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दियो पीछे कबंदा आ रहा वे जिन्ने मुठ दे अंदर अज मट्टी पकड़ी हुई है मट्टी पकड़ करके मेरे नबी पाक दे सर मुबारक दे अंदर पांदा आ रहा वे नाल पता की कहंदा है कहंदा ओ मक्के वाले इस बंदे दी गल ना मनिया जे लात मनास ते उज्जा ते हुबल ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ पीछे पीछे किंदा जा रहा वे अल्लाह अकबर अल्लाह ते मेरे रब ने जेड़ा मेरे नबी दे बारे बकवास करता सी जिन्ने मेरे नबी अली के सलातो सलाम दे खिलाफ गल कीती है जिन्ने मेरे नबी अली के सलातो सलाम नु तकलीफ दीती है अल्लाह ताला ने उस अबू जहल नु बदर दे मैदान दे अंदर जलील करवा छड्या वे छोटे जे बच्चियां दे कोलो उस बड़े सारे सरदार नु जलील ते रुसवा करवा छड्या वे मेरे नबी नु तकलीफा दीतियां और मेरे नबी दे सरदार सन और मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा किराम नु तकलीफा मक्के दे काफरां ने देनियां शुरू कर दिंदियां ने अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबी मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा कलमा पढ़िया वे इंज कोई छोटा जिहा घराना है बिल्कुल छोटा जिहा घराना वे एक बाप है एक मां वे ते एक बेटा है ते दो उस
उस बेटे दे वाले दैन ने मां ते बाप ने ये तीन घर वाले ने ये तिना घर वाले ने मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा कलमा पढ़िया है मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा ते मक्के दे काफरां नूं पता चलिया है मक्के दे काफर आंदे ने त्याग करके मारना शुरू कर दिंदे ने इतना मारदे ने इतना मारदे ने हत्ता के नदियां चीखां मक्के दियां फिजावां दे अंदर बुलंद हुंदियां मेरे नबी पाक नूं पता चलदा आका फरमांदे ने इस बिरू आला यासर फइन मौईदकुमुल जन्ना ऐ आले यासर सबर करिया जे अल्लाह से सबर दे बदले तुहानू जन्नत अता फरमा देवेगा अल्लाह अकबर अल्लाह आले यासर ने सबर कीता वे सबर कीता वे ते मक्के दे काफरां ने केड़ा जुल्म है जेड़ा इस घराने दे उते नहीं डाया केड़ा जुल्म है जेड़ा इस घराने दे उते मक्के दे काफर ते अबू जहल एंड कंपनी ने केड़ा जुल्म है जेड़ा इन्ना ते नहीं डाया अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत अम्मार फरमांदे ने हत्ता के मेरे बाप दीन इस्लाम दी वजह तो मारा खांदे खांदे दीन इस्लाम दी वजह तो जान दे करके चले गए ने अल्लाह अकबर अल्लाह मेरा बाप इस दुनिया तो चला गया वे हुण मेरी मां वे मेरी मां सुमैया सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा पता है मां सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन ने इस्लाम दी सब तो पहली शहीदा वे जिन्होंने इस्लाम दी खातर अपनी जान दा नजर ना दिता वे जिन्होंने सलाम की खातर अपनी जान निसार कर छड़िए इन्ना दा नाम है सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अकबर अल्लाह अबू जहल ने इंज सैयदा सुमैया नु पकड़िया होया वे सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा नु कहंदे पए ने अबू जहल कहंदा है ऐ सुमैया कलमा छड़ दे जिते तेरे जिस्म दे टुकड़े कर दिते जाणगे सैयदा सुमैया कहंदियां ने ओए अबू जहल जिन्ना मर्जी टुकड़े कर ले लेकिन सुमैया कदी भी नबी दा कलमा नहीं छड़ सकदी हत्ता के जालिम ने सैयदा सुमैया दी शर्मगाह दे अंदर नेजा मारिया है जिस्म दे दो टुकड़े कर छड़े ने जिस्म दे टुकड़े कर छड़े ने सैयदा सुमैया दे ओ सैयदा सुमैया दा कसूर की है सैयदा सुमैया ने की मक्के वालिया नु परेशान कीता वे सैयदा सुमैया दा कसूर की है सैयदा सुमैया दी जुबान दे जो है लफ़ज़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ते अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा कर छड़िया है ते कमाल अल्लाह दी कसम कर छड़ी है अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ये कलमा खुदा से मिलाता है आखो सुभान अल्लाह फिर आखो मैं बंदा सारे आखे करो ना ये कलमा खुदा से मिलाता है वहदत का जाम पिलाता है ये कलमा खुदा से मिलाता है वहदत का जाम पिलाता है के सब मंगते हैं वो दाता पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा देवी जिस्म दे टुकड़े कर दिते जांदे ने हजरत अम्मार फरमांदे ने मेरे बाप दे दुनिया तो जान तो बाद मेरी मां दे दुनिया दी शहादत तो बाद फरमाया पूछा गला जांदा आ करके मेनू गरम सहरा ते लटा लेंदा गरम रेत दे उते लटा करके इंज मेरे सीने दे उते चढ़ जांदा मेरे सीने दे उते चढ़ करके मेरे सीने उते चढ़ करके बैठ जांदा अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत अम्मार फरमांदे ने मैं थल्ले लेटिया हुंदा मेरे सीने ते कुफर चढ़िया हुंदा ते पहला पता की अबू जहल बड़ा की कहंदा है लानत रुकु का अता तसुबा मुहम्मदिन ऐ अम्मार अपने नबी दे बारे कोई गलत अल्फाज कहना कोई गाली निकालना हजरत अम्मार नु कहंदा है ऐ अम्मार ओनी देर तक तेनु छड्या नहीं जाएगा जिन्नी देर तक तो अपने नबी दे बारे अपनी जुबान दे विचों गलत कोई अल्फाज नहीं आखेगा हजरत अम्मार वा मार तेरी
किस्मत तो कुर्बान जाइए, तेरी जान ने सारी तो कुर्बान जाइए। हजरत अम्मार फरमांदे ने ओए अबू जहल सुन ले, मेरे जिस्म दे टुकड़े ते हो सकदे ने, जिवें मेरा बाप चले गया है मैं भी जा सकना वा, जिवें मेरी मां दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए ने, एवें मैं अम्मार दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े हो सकदे ने, लेकिन मैं अपने पैगंबर दे बारे कोई जर्रा बराबर भी अपनी जुबान दे विचों लफ्ज नहीं कढ सकदा। वो जर्रा बराबर भी अपनी जुबान दे विचों कोई ऐसा लफ्ज कढ सकदा नहीं। ए अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ए जानी कुर्बानी जे वेखो जिस्मानी के जिस्म नु दीन इस्लाम दी वजह तो तकलीफां दित्तियां जा रही ने। और मैं पढ़े किताब के अंदर हजरत अम्मार नु इतना मार दे इतना मार दे हत्ता के हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना होशो हवास खो बैठते ते गल करदे जो बंदा एक मजनून पागल नहीं हो जाता। मारिया इन्ना जांदा हजरत अम्मार नु पता ही ना चलता कि मैं केड़ी गल कहिंदा पिया। केड़ा बंदा है जेड़ा बंदा कह सकता है मैं दीन इस्लाम दी खातर ए मैं तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने? कोई बंदा नहीं कह सकता दीन इस्लाम दी खातर। और दीन इस्लाम दी खातर अगर जाना पेश कीतियां ने ते नबी पाक दे सहाबा ने की। असल दीन इस्लाम दी खातर जिन्ना तकलीफा मुसीबतें बर्दाश्त कीतियां ने सानू ते बड़ा बनाता दीन लभ्या सानू काड़ी कदर होवे इला माशाल्लाह सारे नहीं ऐसे लेकिन अक्सरियत इदां मुसीबतां वेख लियो सवेर नूं आण के वेख लियो किसी और नमाज टाइम आकर के देख लियो तुहानू एक सफ डेढ़ सफ नजर आ जाऊगी। क्या बाकी मुसलमान नहीं है? सारे मुसलमान ने। वजह यह है कि सानू दीन इस्लाम की कदर साड़ी जान का नजराना नहीं गया साड़ा माल नहीं लग्या साड़ा वक्त सिर्फ नहीं होया साड़े बेटे जिबा नहीं होए साड़ी बीवी जिबा नहीं हुई असी खुद जिबा नहीं होए। वजह सिर्फ अगर साड़ा कुछ भी लग्या होता अल्लाह की कसम मुसीबतें भरियां होनी जिवें नबी दे दौर के अंदर सहाबा इकराम जोक दर जोक मस्जिद अंदर जाया करते मुसीबतें भरियां होनी उस वक्त के अंदर मस्जिद कच्चिया सी ते नमाजी पक्के सी। अज मस्जिदा पक्या एसी लगे पखे लगे ट्यूब ट्यूबा लगिया केड़ी चीज जेड़ी नहीं फुल एयर कंडीशन माहौल है लेकिन नमाजी जिवें मस्जिद पक्या खूबसूरत ओने एयर कंडीशन नमाजी नजर नहीं आते। ये कि नमाजा पढ़नी असी खुद पढ़निया ने असी खुद दीन के उत्ते अमल करना है। दुआ करो अल्लाह सानू सारे दीन के उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उची सारी आमीन आ गया करो ढिले ना होया करो जरा तवज्जो करना। हबीबे कायनात सरकार दो आलम सय्यदीना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कौर सहाबी ने जिन्ना ने मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा इंज कलमा पढ़िया है मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे मुरीद बन गए ने ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा जदों कलमा पढ़िया है ना ते मक्के दे काफरां ने मेरे नबी दे सहाबी नूं मारना शुरू कर दिता वे इतना मारदे ने इतना मारदे ने अत्ता के कोयले दे उत्ते लटा करके इंज कमर दे उत्ते कपड़ा चक करके कोयले दे उत्ते लटा देंदे ने अत्ता के जिस्म ते कमर दी चर्बी पिघल पिघल करके जेड़े कोयले सन ओ बुझ जाया करदे सन लेकिन मेरे नबी दे सियाबी दे ईमान दे अंदर जरा बराबर भी कमी नहीं सी आंदी। ए ईमान ए ईमान अल्लाह पर अल्लाह किते गर्दन दे अंदर रस्सी पा करके बाजारां दे अंदर घसीटिया जांदा किते गर्म सहरा दे अंदर लटाया किते थप्पड़ मारे जांदे किते को जाकिया जांदा हत्ता के मारा का का करके बेहोश हो जांदे ने लेकिन जुबान दे विचो एक ही लफ्ज़ है जुबान दे विचो एक ही जुमला है अल्लाहु अगद जुबान दे विचे एको ही जुमला वे अल्लाहु अकबर अल्लाह ते हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहु अकबर अल्लाह इतने उमैया जुलम किते अबू जहल जुलम किते मक्के दे काफर सितम करते पे ने एक दिन मेरे नबी नू खबर पहुंची है कि बिलाल नू मक्के दे काफर इतना मारदे ने कि बिलाल बेहोश हो जांदा वे बिलाल नू होश नहीं रह जांदी अल्लाह अकबर अल्लाह ते मेरे नबी अली सलातो सलाम ने पैगाम भेजिया वे
बिलाल इंज करना कलमा आहिस्ता आवाज नाल पढ़ लिया करना, आहिस्ता आवाज नाल कलमा पुकार लिया करना। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने, जा करके मेरे नबी नू मेरा पैगाम दे देवी। ऐ सोहणिया महबूबा, तुसी पहले मैनू वल दसिया है कि बिलाल उच्ची आवाज नाल कलमा पुकारना वे। हुण बिलाल दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकदे ने, लेकिन बिलाल आहिस्ता आवाज नाल कलमा नहीं पुकार सकता। बिलाल आहिस्ता जुबान दे नाल कलमा नहीं पुकार सकता। बिलाल हर जगह कहीं जा रहा है, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, अल्लाहु पर अल्लाह कुल को वल्लाहु अहद तू है, अल्लाहु समद उच्ची शान वाले। सारे जरा तवज्जो मेरे वाल रखा करो, थले ना देखो, मेरे वाल देखा करो। कुल हु वल्लाहु अहद तू है, अल्लाहु समद उच्ची शान वाले। लम यलिद वलम यूलद नाले कुफुवल अहद दो जगान वाले। ला इलाहा इल्लल्लाहु दीन एन गवाही, कुल मुल्का दा बादशाह तू है, सब ते तेरी शाही। बाकी हर शै फना, बाकी हर शै फना, मौला तेरी जात है बका ऐ शान वालिया। कुल हु वल्लाहु अहद तू है, अल्लाहु समद उच्ची शान वालिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नु इन्ना ज़ुल्म व सितम कीता जांदा दीन इस्लाम दी खातर, अत्ता के हजरत बिलाल ने 22 साल गुलामी कीती, 22 साल तकरीबा बर्दाश्त कीतियां ने। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों बिलाल नु आंदिया वेखदे, ते हजरत अबू बकर फरमाया करदे सन, हादा सय्यदी, ए बिलाल गुलाम नहीं जी आ रहा बल्कि बिलाल सरदार आ रहा। हजरत बिलाल सरदार, हजरत अबू बकर हजरत बिलाल सरदार आख्या करते। एवें नहीं मुकाम मिलिया, असी नबी दे सहाबा दी अज़मत क्यों बयान करने, क्यों उन्हां दी खातर अपनी जान दा नजराना पेश करने वास्ते तैयार हो जाने। वजह यह है कि उन्होंने जो इस्लाम की खातर कुर्बानियां दित्तियां ने, साढ़े तक जिहड़ा दीन पहुंचा है ना, ये नबी दे सहाबा की वजह तो साढ़े तक दीन पहुंचे। अगर वह ना होंदे, अल्लाह दी कसम सानू ते अपने आप का भी पता नहीं सी, सानू अपने आप का नहीं सी पता होना। जाओ कि अफ्रीका मुल्क के अंदर जा करके देखो, जिन्हां नू अपने आप का भी पता नहीं, तुसी साफ सुथरे तो लै लेंगे जे तुहानू नहीं पता, कि यूट्यूब देते सर्च करके देखो। बच्चे साढ़े को कुराने पाक मौजूद ने, वो बच्चे ऐसे ने उन्होंने को कुराने पाक भी मौजूद नहीं है। वो छोटी छोटी तख्तियां ते लिख लिख करके हाफिज बनते पे, छोटी छोटी तख्तियां ते लिख लिख करके हाफिज बनते पे, जेड़े दिन रात दीन पढ़ते पे। साढ़े कोल केड़ी चीज नहीं मौजूद, हर चीज साढ़े कोल मौजूद है, लेकिन मस्जिद के अंदर इला माशाल्लाह को मेरे दो तीन हाफिज नजर आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा हाफिज नहीं नजर आ गए। वो लोग दीन सही मिल, तुहानू दीन जिहड़ा मिलिया वे ये असल दीन मिलिया है, सियापा दी वजह तो मिलिया वे, ते इस दीन दी कदर करो। अगर दीन दी कदर पुछनी है ना, कदर पुछनी है, किते नबी दे सियापा दी सीरत पढ़ के देखो कि उन्हां दे दिलां दे अंदर दीन दी कैसी कदर मौजूद सी। अगर दीन दी कदर पुछनी है ते जिस मुल्क दे अंदर काफर सिख हिंदू यहूदी जुल्म और सितम करते पे ने, जाओ किते फलस्तीन के अंदर जा करके देखो, नमाज पढ़ते ही वो फायरिंग शुरू कर देते ने, जिन्हें को नमाज भी सही तरह पढ़ी नहीं जाती। दीन दी कदर दा असल उन्हां नूं पता है, जिन्हां नूं दीन दी कदर होवे वो क्रिकेट दे ग्राउंडां दे अंदर भी नमाज पढ़ लिया करदे, ते जिन्हां नूं दीन दी कदर ना होवे वो भावे मस्जिद दे नाल कंध ना कंध मस्जिद दी साझी होवे तां वी घर वड़ के सुत्ते रहिंदे ने। ये दीन दी कदर दी बात है कि जिस बंदे नु दीन दी कदर होवे अल्लाह दी कसम है और रब दा फरमा बरदार हुंदा जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस वास्ते दीन दी कदर नु समझो, पहचानो दीन नु, दीन इस्लाम नु पहचानो। सहाबाए किराम ने
जेड़ियां इस्लाम दी खातर अपनी जाना दित्तियां ने, अपना माल कुर्बान कीता है, अपना वक्त सरफ कीता है, बीवी दी परवाह नहीं, बच्चियां दी परवाह नहीं, दुकान दी परवाह नहीं, किसी चीज दी परवाह नहीं, अपनी तजारत दी परवाह नहीं, अगर किसी चीज दी परवाह है तो दीन इस्लाम दी परवाह है। दीन इस्लाम तो अलावा किसी चीज दी मेरे नबी दी परवाह है। बस जान जांदी ते जाए, हर चीज कुर्बान हुंदा ते हो जावे, लेकिन ना नबी दी इज्जत दे हरफ नहीं आन देवांगे। नबी दी जुबान दे विचों मेरे नबी गल बात चो कटणगे, असी अपनी हर गल नूं पहले पूरा कर देवांगे। है ने सहाबा ही कहिंदे अल्लाह अकबर अल्लाह। ते मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला सब कह दियो रजी अल्लाह तआला। वक्त बड़ा, वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया ते गल्लां बड़ियां ने, मैं ना कुछ ना कुछ मुख्तसर करके ना तुहानू कुछ ना कुछ गल समझ आ रही है, वो गल समझ आ रही कि कोई ना? जे ते गल मैनूं अल्लाह अद्धियां नूं नहीं आ रही ते नींद आ रही लगदा, नींद नहीं आ रही, इंज लगदा जिवें तुहानूं कोई ना उत्थे कोई बाहरों अमानत दे तौर ते ना मसीते बिठा गया। इंज ना रहा करो, तुसीं सिद्धे हो कर बिआह करो ते मसीत जिवें दवाल लंगर लुंगर ते कोई नहीं जे लभणा, इस वास्ते थोड़ा थोड़ा घरों खा गया करो ताकि मसीते आण के बोल लिया करो। आखो मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर हजरत अब्दुल्ला सब कह दो रजी अल्लाह तआला। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला को मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने इंज जंग दा ऐलान कर छड़िया वे, ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दसिया भी इंज मैदान जंग दे अंदर निकल गए ने, जा करके मैदान जंग दे अंदर इंज लड़ना शुरू कर देंदे ने, ते लड़दे जा रहे ने, लड़दे जा रहे ने, अल्लाह अकबर अल्लाह। लड़दियां लड़दियां मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दसिया भी जामे शहादत नोश कर जांदा वे, अल्लाह अकबर अल्लाह। जंग खत्म हो गई है, मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सामने जितने शहादा ने सारियां दियां मैयतां मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सामने लियांदियां जा रहियां ने, ते नबी पाक अली गे सलातो सलाम फिर नबी पाक अली गे सलातो सलाम दे सामने जो मयतां आंदियां पईयां ने, मेरे नबी पाक अली गे सलातो सलाम दे सहाबी नूं वेख्या वे जिन्हां दा नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला होवे, इन्हां दे जिस्म दा मुसला कीता गया सी, हजरत अब्दुल्ला दे जिस्म दा वी मुसला कीता गया सी। मेरे नबी अली गे सलातो सलाम ने हजरत जाबिर नूं बुलाया, फरमाया ओ प्यारे जाबिर जरा इधर आना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला को मेरे नबी पाक दे करीब आ गए ने, हजरत जाबिर नूं मेरे नबी फरमांदे ने ओ प्यारे जाबिर तेरा बाप शहीद हो गया वे, ते मेरे नबी ने हजरत जाबिर नूं तसल्ली दित्ती है, तसल्ली दित्ती है मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने। ते फिर नबी पाक अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने जनाजा पढ़ाना वे, हुण जनाजे दा वक्त करीब आ गया वे, मेरे नबी अगे हो करके जनाजा पढ़ाण लगे ने। हजरत जाबिर फरमांदे ने सोनिया एक मिनट रुक जाया जे, मैनू अपने बाप दे चेहरे दी ज़ियारत कर लेंदे जे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी पीछे हट गए ने, हजरत जाबिर अगे बढ़े ने, अगे बढ़ करके बाप दे चेहरे तों जे कपड़ा हटाया वे। ओ लोगो जदों बाप दे चेहरे दे उत्ते कपड़ा हटाया ना, ते हजरत जाबिर चीखा मार के रो पैंदे ने, ते मेरे नबी पुछदे ने ओ जाबिर रोंदा किस वास्ते पिया वे? फिर जाबिर पीछे आ करके फिर बाप दे चेहरे दी ज़ियारत करन दी कोशिश करदे ने, आका फरमांदे ने ओ जाबिर की परेशानी लग गई है? अल्लाह अकबर अल्लाह। आका फरमांदे ने जाबिर तेरा बाप ते शहीद हो गया वे। हजरत जाबिर फरमांदे ने सोनिया मैनू इस चीज का गम नहीं है, मैनू गम सिर्फ चीज का वे, मैं ते खुश नसीब हाँ कि मेरा बाप एक शहीद वे। अल्लाह अकबर अल्लाह। लेकिन गम मैनू सिर्फ चीज का वे, मेरा बाप दुनिया चढ़ करके गया वे, ते मेरे बाप दे सिर से कर्जा भी बहुत ज्यादा सी। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते मैनू गम इस चीज का भी है कि मेरा बाप दुनिया तो चला गया वे, मेरा बाप पिछे छे धियां छड़ करके गया वे, मेरिया छे भैणां ने वो छोटियां ने। ऐ अल्लाह दे पैगंबर अली की सलातो सलाम जी, मैं कल्ला वीरा, मैनू गम इस चीज का वे, मेरा बाप दुनिया तो चला गया है, मैं अपनी भैणां की परवरिश करांगा, या जनाब मैं अपने बाप दे अपने बाप दे कर्जियां दा कर्जा उतारांगा, मैं अपनी भैणां दी
अच्छी तरबीयत करके उन्होंने रिश्ते किसी और जगह से करांगा या अपने बाप के करजाइयों अपने दरवाजे तो उतारांगा। मेरे नबी अली के सलातो सलाम इंज दिल बहलान लगे ने, आका ने प्यार किया है, आका ने मुहब्बत की है, आका फरमाते ने ओ मेरे प्यारे जाबर आ जा मेरे सीने दे नाल लग जा। हजरत जाबर मेरे नबी दे सीने दे नाल लग गए ने। आका फरमाते ने ओ जाबर मैं तेनू एक गल ना सुनावा, जिस गल दे नाल तू राजी हो जावेगा, जिस गल दे नाल तू खुश हो जावेगा। फरमाया जाबर खुश हो जा, अल्लाह ताला ने तेरे बाप नू जन्नत दा मेहमान बना छड़िया है। फरमाया जाबर खुश हो जा, खुश हो जा। जेड़ा बंदा शहीद हुंदा है ना ओदे जिन्ने जख्मां दे विचों खून निकलदे ने, फरमाया कयामत दा दिन होएगा ओना खूना दी जगह ते जाफरान दी खुशबू आंदी होएगी, कस्तूरी दी खुशबू आंदी होएगी। फरमाया शहीद दा एक कतरा बाद अंदर गिरदा है, अल्लाह जन्नत दा मेहमान पहले बना छ। फरमाया जाबर खुश हो जा, अल्लाह ताला ने तेरे बाप नु जन्नत दा मेहमान बना छड़े, तेरा बाप जन्नत दे अंदर है। अगर पूछना दीन दी कदर पूछनी तो उन्होंने पूछ जा करके, जिस जाबर नु परेशानी है अगर दीन दी कदर पूछनी है तो हजरत अब्दुल्ला दी छिया बेटियां नु पूछ जा करके, जिन्होंने अपने खेडन दे वक्त अपने बाप का जनाजा वेखिया, बाप की मुहब्बत नहीं मिल सकी, उन्हें पुछ करके वेख के दीन की कदर की होया कर। ते जिन्हें सारी दिहाड़ी ताश कुटना, सारी दिहाड़ी ताश कुटना, जुआ सारी दिहाड़ी खेडना, उन्हें दीन की कदर का की पता होगा? लोगों के नाल फ्रॉड धोखेबाजी, उन्हें की दीन की कदर का पता होगा? और दीन की कदर का अगर किसी को पता है तो मेरे नबी दे सहाबा को पता है, जिन्हों का कुछ लग्या, जिन्हों का दीन इस्लाम की वजह तो कुछ गया है, जिन्हों ने जाना ते नजराने पेश किए ने, जिन्हों ने अपनी जाना निशावर किया है नबी पाक दे दीन की खातिर, है वो मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम दे सहाबी है। उन्हें बच्चिया दे, मैं कहना छोटा जो बच्चा होवे छे धियां होण ते हर बंदे नूं तरस आंदा है। चलो हदीस पूरी कर दी है, नबी पाक अली सलातो सलाम ने जो सुनिया ना, आका ने पहले तो आखिया तेरे बाप ने अल्लाह ने जन्नत का मेहमान बना छड़े, फिर आका अली सलातो सलाम फरमाते ने तेरे बाप का कितना कर्जा है? आका सुनिया काफी कर्जा है। फरमाया जो मैं आ जावा ना तो ढेर लागे, फरमाया मैं आ जाऊंगा तो तू जिन्ने कर्जाई ने सारे सद ले, सारे सद लवी। जाबर फरमाते ने मैं वक्त दे छड़े अपने बाग के अंदर चला गया, जो बाग के अंदर गया ना ए मेरे नबी अली सलातो सलाम की हत्था की बरकत है। आका अली सलातो सलाम बाग के अंदर गए तो हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने सारे आ गए, तो मेरे नबी अली सलातो सलाम इंज टोकरे भर भर के तोल तोल के उन्हें सारे कर्जाइया दई जा रहे ने, दई जा रहे ने, हत्ता के सारे कर्जा लैन वाले मुक गए। खजूर अगे नालों भी ज्यादा हो गई, खजूर खजूर का एक दाना भी कटिया नहीं बल्कि ज्यादा हो गया। ये मेरे नबी अली सलातो सलाम दा की है मुजज़ा। ये मेरे नबी इंज अपने सहाबा ना प्यार करते ने, आका ने सारा कर्जा भी लुआ छड़िया। फिर गल बहुत दूर ना निकल जावे, हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला ने फिर हजरत जाबर ने किसी कुंवारी लड़की दे नाल शादी नहीं की, बेवा औरत शादी की थी। आका फरमाते ने जाबर तू बेवा ना क्यों शादी की थी, तू कुंवारी लड़की शादी कर दा। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने सोने मेरे दिल के अंदर और कोई चीज नहीं सी, मेरे दिल के अंदर सिर्फ एक चीज सी कि जड़ी आवे आ करके मेरी छोटिया भैन की तरबियत करे, और कोई गल नहीं सी। हर बंदे का दिल चाहता है कि मेरी बीवी कुंवारी होनी चाहिए, छोटी उम्र का लड़का आवे उसके दिल के अंदर एगो ही होता है कि मेरी बीवी कुंवारी होनी चाहिए है। तो इस चीज की परवाह नहीं की, कुर्बान कर छी हर चीज ये कि मेरी छोटिया भैन की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, जी ज्यादा उम्र वाली होनी है, समझदार होनी है, अकलमंद तना होनी है, उन्हें आ करके छोटे बच्चे की तरबियत ही करनी है, तो जी आप खुद बच्ची होवे ना किसी की तरबियत करनी है। ऐ समझदारी दी गल्लां ने हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला, अल्लाह ने एवें नहीं मुकाम इन्हां ते छड्या,
कि तुसी मैनू राजी कर दिता, मैं तुहानू राजी कर दिता, जाओ टुरे फिरो। अल्लाह ने फरमाया मैं तुहानू जन्नत दा चौधरी भी ते नवाब भी बना छड्या। ए मुकाम जे, ए मर्तबा जे, ए रिफत जे, ए बुलंदी जे। असी इस वास्ते नबी दे सहाबा दे नाल प्यार करने, मुहब्बत करने, उन्हां दी शान अजमत। एक बंदा मैनू कहण लगा, जी कारी साहब तुसी सहाबा दी अजमत क्यों बयान करदे? मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार कैसी गल्लां करदा पे बंदे, ए दौर कैसा आ गया। मैं कहा तू मुसलमान नहीं? कहना मुसलमान हां। फिर मैं उन्होंने आख्या, मैं यार कैसी तेरी अकल मारी है, जे असी नबी दे सहाबा दी अजमत नहीं बयान करनी ते फिर किन्ने करनी है? जाओ अपने मुआशरे दे अंदर जा करके देखो, बच्चे बच्चे नु जेड़े फिल्मां वाले, ड्रामियां वाले, गाणियां वाले गुलूकार पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किसी भी मुल्क दे होण, जाओ बच्चे बच्चे नु जा करके पूछो, वो तुहानू हर हिस्ट्री दसेगा। मैं गया ये नबी दे सहाबा दी हिस्ट्री सानू क्यों नहीं मौजूद, साडे बच्चियां नु क्यों नहीं इलम इस हिस्ट्री दा, कि सहाबा ने जाना नहीं दित्तियां? तू कहना है सानू जोश मिलता है। और एक गल आ गई, उर्तुगुल गाजी वेखो तो जोश आऊगा, इन्ना दिन जोश नहीं जे मिलता। नबी दे सहाबा दी सीरत पढ़ो फिर तुहानू पता लगेगा असल दीन दा, असल इस्लाम दा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते तेरे बेडा तक तेरे बच्चे बच्चे नु गाने याद ने, नहीं याद ते रब दे कुरान दी दो सूरतां याद। छोटे छोटे बच्चे नचते नजर आते ने घरां दे अंदर, देखो मां प्यो खुश हुंदे ने मेरा बच्चा नचदा पिया। अल्लाह दी कसम है साडे वास्ते हसण दा मुकाम नहीं है, साडे वास्ते रोण दा मुकाम है कि साडा छोटा जिहा बच्चा नचदा पिया। उस बच्चे नु मस्जिद अंदर लिया करके कुरान दी तालीम नहीं देंदे, उस बेटी नु किसी ऐसे दे कोल, ऐसी टीचर दे कोल नहीं लै करके जांदे जिहड़ी टीचर उहदी तरबियत कर सके। नचण वाले पासे बड़े सी नबी दे सहाबा, उन्होंने अपनी औलादा दी ऐसी तरबियत की थी। अल्लाह की कसम है जिवे बाप ने नबी दे दीन दी खातर जाना दे छड़ियां सन, औलाद ने भी नबी दे दीन दी खातर जाना दे छड़ियां सन। अल्लाह अकबर अल्लाह। जरा तवज्जो करना, हबीबे कायनात सरकार दो आलम सय्यदीना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे कौर सियाबी ने जिन्ना दा नाम हजरत अमर बिन जमू रजी अल्लाह तआला कोवे, मेरे नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दा कलमा पढ़िया वे ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दा, लोगो तवज्जो मेरे वर रखनी है, नबी पाक दा कलमा पढ़िया वे एक लत तो लंगड़े ने, यानी के मजूर ने नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे सियाबी ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने इंज जदों जंग दा ऐलान कीता वे ना, ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने जंग दा ऐलान कर छड्डिया वे इस अमर बिन जमूर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दे बेटे इंज जंग दी तैयारी करदे पए ने, इंज जंग दी तैयारी करदे करदे ना बाप नू पता चलिया कि मेरे बेटे इतने जो जज्बे दिनाल जंग दी तैयारी करदे पए ने। बाप कहण लगा मैं भी जावांगा। बच्चे कहंदे ने अब्बा जी तुसी लत्तों मजूर जे, तुसी लंगड़े जे, तुसी किवें जंग दे अंदर जा सकदे जे, नाले तुहाडी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। ते बाप पता की कहंदा है, कहंदा है ओ मेरे बच्चो मेरा भी दिल करदा वे कि मैं भी जन्नत दा मेहमान बन जावां। ओ बच्चे मेरा भी दिल करदा वे कि मैं भी जन्नत दा मेहमान बन जावा। बच्चे नहीं मन्ने, ए सियाबी मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कोल चला गया, जा करके कहंदा सोनिया मेरा भी दिल करदा है कि मैं भी जंग दे अंदर जावा ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते मेरे बच्चे ए गल कहंदे पए ने, मेरा दिल करदा है मैं जंग दे अंदर जावा, ते जंग दे अंदर जा करके काफरां दे नाल लड़दा 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 शहीद हो जावा, ते इसे तरह लंगड़ौंदा लंगड़ौंदा रब दी जन्नत दा मेहमान बन जावा। फरमाया इसे तरीके दे नाल रब दी जन्नत दा मेहमान बन जावा। मेरा दिल करदा है इसे तरीके दे नाल लड़ा ते मैं रब दी जन्नत दा मेहमान बन जावा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी खुश हो गए ने, इस बाबे दे अंदर किन्ना जज्बा वे, इस बाबे दे अंदर किन्ना जोश है। ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जदों खुश हो गए ने, आका अलैहि सलातो सलाम ने इजाजत दे छड़ियां ने, हुण बाबे ने जल्दी जल्दी तैयारी की है। मैं किताब के अंदर पढ़िया है
बाबा इंज अपनी बीवी नू मिलदा पिया वे जिवें बाबे ने अज तो बाद घर दे अंदर नहीं खाना। बाबे दे अंदर सिर्फ कोई जोश है, बाबे दे अंदर सिर्फ कोई जज्बा वे। इंज घर वाले नू मिलिया है, सलाम कीता है, जंग दे अंदर चला गया है। जा करके अगे अगे बाप जांदा पिया वे, पीछे पीछे बेटा जांदा पिया है। जा करके सब दे अंदर सब तो अगे जा करके नबी दसिया भी हजरत अमर बिन जमूर जनाब सब तो अगे जनाब सब दे अंदर चले जाते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। जो सब तो अगे सब के अंदर नबी पाक का सिया भी जाता है ना, अल्लाह की कसम लड़ाई शुरू हो जाती है, मारना शुरू कर देंगे ने। हत्ता के हजरत अमर बिन जमूर दी अल्लाह तआला को इतना काफरा दे नाल लड़े, इतना काफरा दे नाल लड़े, इतनी बहादुरी दे नाल लड़े, इतने जोश दे नाल लड़े, हत्ता के लड़दियां लड़दियां ही मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दसिया भी जामे शहादत नोश कर जाता है। रब ने जज्बा सी ना वो पूरा कर छड़िया। फरमाया मैं जी रेड़ रेड़ के नत लगड़ौंदा लगड़ौंदा रब दी जन्नत दे अंदर चला जावांगा, ते मेरे रब ने वो जज्बा वो शहादत दा पूरा कर छड़िया। मैं कहना है बाबे वाला जोश क्यों नहीं साडे अंदर, जेड़ा नबी दे सहाबा दे दौर दे अंदर जेड़ा जोश ते जेड़ा जज्बा हुंदा सी। अजकल तो बाबे जी की जो जज्बा होना सारे नहीं ला माशाल्लाह, मैं सारे की गल नहीं करता, लेकिन कुछ की गल कर जिन्ना बाबे ने होनी उन्होंने की जोश, जिन्ना बाबे ने टिकटॉक बनानी है उन्होंने अपने औलाद की तरबियत करनी है, की सियापा दे किसे सुनाने ने जिन्होंने खुद टिकटॉक बनानी है। कबर च लत्तां कबर च लत्तां ते बनानी है टिकटॉक। इंज नहीं ना टिकटॉक बनानी है बुजुर्गो, को अल्लाह अल्लाह करो, को नमाज पढ़ो, को नफल नवाफल पढ़ो, को मस्जिद के अंदर आ करके मस्जिद के अंदर आ करके नफल नवाफल पढ़ो, रब नू याद करो। कई बाबिया ने बीबिया के नाल लड़कियां के नाल टिकटॉक बनानी शुरू कर दी। पता नहीं कितने तुर पे बाबे बाबे हो ये चीज वाल नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए पैगाम जा रहे बड़ी दूर तक, पूरी दुनिया के अंदर पैगाम जाएगा। ते मैं उन्हें बाबियां नु इल्तमास करना चाहना के बाबियो अल्लाह दा वास्ता जे अपनी जड़ी सारी जिंदगी गुजारी है, जेड़े नफल नवाफल नमाजा पढ़िया ने किते जाया ना करवा लिया जे। इस वास्ते अपने दीन दी फिक्र करो, अपने इमाम दी फिक्र करो, अपने इस्लाम दी फिक्र करो, अपनी कब्र दी फिक्र करो, अपने हशर अपने नशर दी फिक्र करो। जो तुहाडे दिल दे विच कबर हशर नशर हर चीज की फिक्र पैदा हो जाएगी, अल्लाह की कसम उठा करके कहना उदो तुहाडी औलाद रब दा वली भी बन सकती है, तुहाडी औलाद दे विचों अल्लाह ताला बड़े बड़े आलमे दीन पैदा कर सकता है। जो तुहाडे दिलां दे अंदर ईमान दौलत तकवा परहेजगारी मौजूद होगी। अल्लाह पर अल्लाह सियापा ने एवं नहीं बड़ी बड़ी दूर जा करके दीने इस्लाम दी लोगों नु दावत दी, दीने इस्लाम घर घर तक पहुंचाया, अज साडे सामने खड़ा है, अज नमाज पढ़ते हैं सानू तरीका सियापा ने सिखाया, अजान हुंदी है तरीका सियापा ने सिखाया, हत्ता के वाशरूम के अंदर जान दा तरीका ऐ दुआ पढ़नी है इंज बहना है दीने इस्लाम ने सिखाया, हर दुआ दीने सानू इस्लाम ने सिखाई। केड़ी चीज है जिहड़ी साडे तक अज नहीं पहुंची, वो कितों पहुंची, किन्हां ने पहुंचाई, नबी दे सियापा ने साडे तक पहुंचाया। चाहे कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नत नाल ताल्लुक रखने वाला है, या अहले तशय्यु है, कोई भी अज जुमा पढ़ने वास्ते आया भी ओदे वास्ते पैगाम सिर्फ एक ही है कि दीन इस्लाम दी तरफ आओ। सियापा दीयां कुर्बानियां देखो, सियापा दी जान सारी देखो, सियापा ने की कुछ कीता है। अपने बच्चियां नू डाइजेस्ट ना पढ़ाया गया करो, अपने बच्चों सियाबा किराम दियां किताबां लैके दिया करो। अज मैं तुहाडे सामने एक पैगाम देना चाहना कि स्कूल दियां किताबां बड़ियां बड़ियां महंगियां लैके दे दिंदे जी, वालिदैन आए हो बड़ियां मेरियां महंगियां किताबां लै करके दे दिंदे जी, ते अपने बच्चों तुसी किताबां सियाबा किराम दी सीरत दियां क्यों नहीं लैके देते, अपने बच्चों सियाबा किराम दी सीरत दियां किताबां लै करके दिओ ताकि तुहाडे बच्चे पढ़न, पढ़ करके उन्हें दिलों के अंदर सहाबा का प्यार पैदा हो, उन्होंने बच्चों के दिलों के अंदर सहाबा की मुहब्बत पैदा हो, सहाबा की उल्फत पैदा हो कि सहाबा ने किस तरीके मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम का
साथ दिता जर्रा बराबर भी मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम तो पीछे नहीं हटे बल्कि मेरे नबी अली सलातो सलाम दे नाल कंधे दे नाल कंधा मिला करके चले ने सहाबा इकराम जानना हर चीज निशावर कर दीती है। अल्लाह अकबर। आखिरी हदीस बिल्कुल सही बुखारी किताबुल मगाजी दी बयान करके ते अपनी बात को खत्म करिए। जरा तवज्जो करना हबीबे कायनात सरकार दो आलम सय्यदीना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अली के सलातो सलाम दे सियाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमान देने के नबी पाक अली के सलातो सलाम नबी पाक अली के सलातो सलाम दे कोल एक अरब दा बहुत बड़ा सरदार है जिस सरदार दा नाम आमर बिन तुफैल वे मेरे नबी पाक अली के सलातो सलाम दे कोल आया आकर के कहंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब दे पिंडा च तेरी हुकूमत होएगी ते अरब दे शहर दे अंदर मेरी हुकूमत होएगी ते जेड़ा तू कहना है ना लात मनाज ते उज्जा ते हुबल कुछ नहीं कर सकते इंज ना आख्या कर। दूसरी शर्त ने आखी है दूसरी कहंदा ऐ मेरी शर्त मन लवो पहली शर्त ये बयान की थी के पिंडा च तुहाडी हुकूमत होएगी ते शहर च मेरी हुकूमत होएगी आका फरमांदे ने मैनू कोई तस्लीम नहीं है हुण दूसरी शर्त ने रख छड़ी है कहंदा है जनाब तुसी अपने तो बाद मैं अमर बिन तुफैल नु जानशीन मुकर कर दियो आका फरमांदे ने भी तेरी कदे भी शर्त मन्नी नहीं जाएगी तू की समझदा वे के गोबर ते मक्खन कट्टा हो जावे इंज नहीं हो सकता जा जा चले जा सी तेरी गल नु नहीं मन सकदे हत्ता के जालम चला गया वे अपने इलाके दे अंदर जा करके अपने इलाके दे अंदर जा करके इन्हें एक तरकीब खेडिए इंज एक काफिला तैयार किया वे वो काफिला मेरे नबी पाक अली सलातो असलाम तक पहुंचा वे एक खत भी उस काफिले दे अंदर लै करके आए ने इंज मेरे नबी दे सामने खत आया वे ते मेरे नबी खत पढ़ करके खुश हो गए ने मेरे नबी दे दिल नु खुशी आ गई है आका सिद्धे मिंबर ते तशरीफ लै गए ने आका अली सलातो असलाम फरमांदे ने ओ मेरे सहाबियो आमर बिन तुफैल दा खत मेरे कोल आया वे आ करके कहंदा खत दे अंदर की लिखिया वे कि असी ते साडे इलाके वाले सारे कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए आ अपने इलाके चो कुकारी भेज जेड़े आ करके सानू दीन दी खिदमत करना जेड़े आ करके सानू कुरान ते हदीस दी तालीम देना मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम फरमाया आका फरमाते ने फलां कारी भी खड़ा हो जावे फलां कारी भी खड़ा हो जावे हत्ता के 70 कारी मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम ने खड़े कर दिते ने उन्हां दा अमीर हजरत हराम बिन मिलहान रजी अल्लाह तआला को इन्हां नूं बना छड्या वे हत्ता के चले गए ने जा करके हजरत हराम रजी अल्लाह तआला को इंज अमर बिन तुफैल दे दरबार दे अंदर पहुंचे ने इंज सिर उठा के झुका के नहीं बड़े सिर उठा करके आमर बिन तुफैल दे दरबार दे अंदर चले गए ने वो वेंदियां सारी नाल कहंदा ओ केड़ा है गुस्ताख आ गया वे तू सिर झुका करके अंदर नहीं दाखिल होया। हजरत आमर बिन तुफैल ने अज मुक्की बंद की थी है मुक्की बंद करके हजरत आमर बिन तुफैल फरमांदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत हराम फरमांदे ने आमर बिन तुफैल के ए आमर बिन तुफैल बड़ियां बड़ियां जगह ते सर झुका करके वेख लिया वे हुण सर कट दे सकदा है लेकिन गैर दे सामने झुक नहीं सकदा हुण सर कट दे सकदा है लेकिन गैर दे सामने नहीं झुक सकदा इन्हें पिछे बंदे खड़े नु इशारा कीता वे उन्हें अज जनाब कमर दे विच नेजा मारिया हत्ता के हजरत हराम दे जिस्म दे विचो इंज खून दा फवारा निकल आया वे हजरत हराम नु पता चलिया मैं हुणे ही दिल करे मेरी शहादत हो जावे हजरत हराम रज़ी अल्लाह तआला को ने इंज नीचे डिगे ने ते डिग करके अपने दोवां हत्था दे नाल बुक खून दा पर लिया वे वाह नबी दे सियाबियो तुहाडी कैसी अजमत है तुहाडे अंदर कैसी अल्लाह ने बहादुरी पर छड़ी है नबी दे सियाबी ने इंज बुक खून दा भरिया है अपने मुंह ते मल लिया वे अपने सिर दे उत्ते मल लिया वे नाल पता की कहंदे ने ओए अमर बिन तुफैल सुन लै फज़ तो बा रब्बिल काबा सानू रब्बे काबा दी कसम है असी कामयाब हो गए आ रब ने सानू कामयाबी अता फरमा छड़ी है अल्लाह अकबर अल्लाह ए मोमन मर्द मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम दे सियाबी दे इस नारे तो अमर बिन तुफैल दे किले दीआं दीवारां वी कंब गईआं सन
आमर बिन तुफैल भी परेशान हो गया सी इन्हां दे अंदर कैसा जज्बा वे हत्ता के 70 नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कारियां नूं शहीद कर दिता जांदा वे। मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कोल एक और लंगड़ा सियापी सी मजदूर सियापी सी लत तो ओ मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नूं जा करके उन्हें सारी खबर दिती है। आका उठे ने आका नूं इतना रोण आया आका अलैहि सलातो सलाम इतने परेशान होए आका अलैहि सलातो सलाम निकलते निकलते उन्हें कारियां दे छोटे छोटे बच्चों के घर के अंदर चले गए ने जा करके उन्होंने बच्चों सीने के नाल लगाते ने प्यार करते ने ते मुहब्बत रखते ने ते उल्फत रखते ने। फिर मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ओ मैं कहना ओ मदीने दे की हालात होवन गए है तेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना अगर 3 कतल या 5 कतल हो जान किसी इलाके के अंदर मां अपने बच्चों को घर के विचों बाहर नहीं कढ़ती ओ मेरे बच्चों घरों बाहर नहीं निकलना इस वास्ते के 5 कतल हो गए ने। उस मदीने का आलम की होएगा जिस मदीने के अंदर मेरे नबी के 70 कारियां नूं शहीद कर दिता गया होएगा जिस मदीने के अंदर मेरे नबी पाक दे सियापे किराम दे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए होणगे उन्हां औरतां दा उन्हां कारियां दे बीवियां दे सुहाग लुट गए होणगे उन्हां दीआं बीवियां बेवा हो गईआं होणगीआं उन्हां कारियां दी बीवियां ते बच्चियां दे दिलां ते की बीतदी होएगी। ऐ वे मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सियापा जिन्हां ने यकदम इंज जाना नबी अलैहि सलातो सलाम दे दीन तो जिन्हां ने जाना निशावर कीतियां वे ते अगले दिल ने इंज तर्जमा कीता है ते पता की कहंदा है बहारां दे डाकू चमन लुट के लै गए मोहब्बत दिखा के अमन लुट के लै गए बेवफावां इंज बेवफाई कीती मेरे सोहने दी मेहनत लगन लुट के लै गए। قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله دي حضور دعا ہے अल्लाह जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह साडे दिलां दे अंदर मोहब्बत ना आमीन आखा जे सारे अल्लाह साडे सारे दे दिलां दे अंदर सहाबा दा प्यार पैदा फरमा दे अल्लाह साडे सारे दे दिलां दे अंदर दीन दी मोहब्बत दीन दी उल्फत पैदा फरमा दे अल्लाह साडे सारे दे दिलां दे अंदर दीन इस्लाम की मोहब्बत और प्यार पैदा फरमा दे जिस तरह सहाबा किराम ने दीन की खातर क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है दिल से करता से और गुफ्तगु करिए लेकिन वक्त बहुत हो काफ़ी हो गया इंशाल्लाह बाकी फिर इंशाल्लाह कितने गुफ्तगु इसे मौजूद करेंगे इंशाल्लाह ते अल्लाह ताला दी दुआ कर लई है अल्लाह ताला कायनात दे मालिक असी गुनाहगार सियाकार खताकार साडे अंदर बड़िया कमियां कुताइया ने अल्लाह साडिया कमियां कुताइया नूं दूर फरमा दे नीवे मुँह ना करो मुहब्बत ना आमीन आखो अल्लाह साडे सारे दे दिलां दे अंदर प्यार सहाबा दा प्यार मुहब्बत उल्फत ज्यादा तो ज्यादा भर दे साडे दिलां दे अंदर पैदा फरमा दे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।